असलम माई यूट्यूब फैमिली वेलकम बैक टू माई चैनल सब लोग कैसे हैं उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों ने इस मेकअप का तो ट्यूटोरियल पता नहीं देखा या नहीं देखा अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे देती दे हूँ जाके उसको विजिट करो जाके उसको देखो ट्यूटोरियल वगैरह जो भी है ना मतलब मैंने उसके अंदर सब कुछ दिखाया हुआ था कि मेकअप मैंने कैसे किया है ठीक है थोड़ा सा हैवी मेकअप है ये ऐसा लुक है कि आपको इस लुक के साथ जो है आप किसी की बारात के इवेंट में जा सकते हो घर के करीब या कज़न अगर आपको जो है ना अगर आप जाते हो कज़न की शादी में तो आप वहाँ भी जा सकते हो और अपने घर की शादी

सबसे पहले आप लोगों ने ले लेना है मतलब एक कॉम या ब्रश ले लो जो भी आप लोग जिससे बाल सवारते हो अपने आप वो ले लो ठीक है जिससे हमें अपने बालों को सारा गुच्छा करके और मतलब बन बनाकर उसको बांधना होगा इसके बाद हम ले लेंगे एक पोनी ले लो या फिर एक जो है वो कैचर ले लो आप लोग कोई सा भी सूट करता है मतलब पोनी बना के हम इसके ऊपर बन के ऊपर जो है ना लगाएंगे ठीक है तो जो भी ना आप लोगों को सूट करता है वो आप ले सकते हो उसके बाद जो हम लोगों ने लेना है एक ये जूड़ा ले लेना है ये फेकि मार्केट में आपको मिल जाएगा हर साइज़ का मिलता है इससे बड़ा भी मिलता है इससे छोटे भी मिलते हैं सौ रुपये का भी मिलता है और जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा दो सौ या तीन सौ का भी मिल जाता है मेरे पास जो है वो डेढ़ सौ रुपये वाला है अच्छा अब यहाँ पर जो है पहले लिया था अच्छा जो यहाँ पर जो है ना ये है पिंस मेरा पिन सेट रखा हुआ है ठीक है ये हमें इसकी बड़ी जरूरत पड़ेगी साथ साथ में जो है वो इनर कैप लिया मैंने इनर जो लिया, मैंने सूट और सूट का मैच और लिया है मैंने मैंने पिछले अंदर जो है ना प्रॉपर एक वेयर करके दिखाया था कि ये किस तरह से है और साथ में जो इसके ना कान बालियां और जो है ना इसकी बिंदिया है मतलब झूमर है क्या कहेंगे अच्छा इसके साथ जो है ना मैंने यहाँ पर ये भी रखा हुआ है ये क्या है एक लड़ी है मतलब जो है ना तो इसको मैं किस तरह से वेयर करती हूँ करूँगी भी या नहीं करूँगी चलें आप वीडियो को तो शुरू करते हैं फिर उसके बाद देखते हैं साथ साथ में जो इसके मैंने मैचिंग का आ, हिजाब भी लिया तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं फिर आप लोगों को दिखाती हूँ और इस कलर का जो है मैंने यहाँ पर अपना हिजाब लिया है ठीक है स्किन कलर का क्योंकि स्किन शेड भी मेरी जो शर्ट में बहुत ज़्यादा आ रहा था यहाँ पर स्लिवस के साथ देख लो तो इसलिए मैंने इससे मैच किया है ठीक है तो व्यूवर्स यहाँ पे हम लोग अपना हिजाब ट्यूटोरियल बिल्कुल शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए तो सबसे पहले जो है मैंने यहाँ पर रेड कलर का शिमरी इनर कैप ले लिया है जो आप लोगों को मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था तो आप लोग इनर कैप अपने मार्केट से किसी भी जो है ना वो मिल सकता है बहुत ज़्यादा ईजिली और जो इनर कैप होते हैं ना वो तरह तरह के होते हैं मतलब किसी किसी में लास्टिक लगा होता है बैक साइड पर तो कहीं कहीं ना ऐसा होता है कि बांध निकली डोरी दी हुई होती है तो कहीं पर जो है ना बस कैप दिए हुए होते हैं तो इनर कैप भी बहुत तरह के आते हैं थोड़ा सा कन्फ्यूज़ होने की जरूरत नहीं है जिन्होंने इनर कैप कभी नहीं ली तो आप लोग जो इसको मखना भी कह सकते हो इनर कैप भी कह सकते हो तो इस तरह से आप लोगों को मिल जाएंगे वेयर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इजी होता है ये होता है कि आपके जो बेबी हेयर्स होते हैं आपके फोर हेड पर जो हेयर्स होते हैं या आपके बेबी कट्स कटे हुए होते हैं तो आपके हिजाब में से निकल कर आते हैं जो बहुत ज्यादा बुरे लगते हैं बालों को सेट करने के चक्कर में हिजाब पूरा खराब हो जाता है तो आपको इनर कैप सबसे पहले जो है कंपलसरी जरूर लगा लेना है इससे ये होता है कि आपका हिजाब भी बिल्कुल परफेक्ट और फिर खुलता भी नहीं है इसके बाद जो है मेरा माथा टीका आप लोग इसको कह लो कुछ भी कह लो झूमर कह लो या टीका कह लो तो यहाँ पर जो है मैंने बाल पिन नहीं लिए बाल पिन के बजाय मैंने यहाँ पर जो है अपना इस हिजाब पिन ही लिए हिजाब पिन की जो मैंने आ, मतलब वो था तो उसके अंदर इसको फ़िक्स करके किस तरह से किया है अभी आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पर उसके बाद जो है मैंने इसको आ, अपने इनर कैप के अंदर फिक्स कर दिया है और ये बहुत अच्छे से फिक्स हो जाएगा इसके बाद जो है बाद जो है हमारा टीका भी बिल्कुल नहीं लेगा क्योंकि हम लोग हम जब हिजाब बिल्कुल फिक्स कर लेंगे तो टीका भी बिल्कुल फ़िक्स हो जाएगा जिसकी वजह से जो है हम लोग को टीका टीके पे ग्लू वगैरह नहीं लगानी होगी क्योंकि अमूमन जो है हेयर स्टाइल वाले जो होते हैं उनमें जो टीके लगते हैं उनके अंदर ये होता है कि फोरीड पर यूएच यू लगा देते हैं या इस तरह की कोई ग्लू लगा देते हैं जिसकी वजह से फोरेड पर बाद में पिम्पल्स वगैरह निकल जाते हैं या कुछ इस तरह की एलर्जी वगैरह हो जाती है तो खैर हम लोगों ने इस केमिकल से थोड़ा सा अवॉइड भी कर लेना है दूसरा यार ये कि और यहाँ पर जो मैंने हिजाब का फैब्रिक लिया है वो जॉर्जेट लिया है आप लोग कोई सा भी ले सकते हो जो आप लोगों को आसान लगे लेकिन सिल्क का मत मतना सिल्क का बहुत ज़्यादा पिसलता है जॉर्जेट का शेफ़ून का और आ, मतलब जो क्रिंकल हाँ क्रिंकल वो भी अच्छा होता है मतलब ये मैं बता रही हूँ कि ये आप लोग पार्टी वेयर बहुत ज़्यादा इज़िली वेयर कर सकते हो यहाँ पर हिजाब को मैंने किस तरह से वेयर किया है ज़रा गौर से फरमाई मतलब गौर फरमाई और यहाँ पर गौर से देखिए कि सबसे पहले मैंने ऊपर से फोर हेड से जो है इसको फोल्ड किया है और वहाँ से इसको मैं लेकर आई हूँ ये मेरे फेस की जो अच्छे से एक शेप बन गया है लेकिन जब मैंने इसको बांधा तो मैंने देखा कि इसकी जो है लेंथ इक्वल नहीं आ रहा था तो इसलिए मैंने इसको दोबारा से खोला क्योंकि हमें एक साइड पर इसको काफ़ी लॉन्ग साइड रखना है और एक साइड से जो हमें नॉर्मल साइड रखना है मतलब ज़्यादा छोटा भी नहीं ज़्यादा बड़ा भी नहीं और बस ये कि हमारा जो है ना लेयर्स वगैरह बन जाए अच्छे से डिजाइन बन जाए हमारा अच्छा सा अच्छा सा स्टाइलिश अच्छा सा जो है हम लोग अपना अच्छा हिजाब ट्यूटोरियल बनाएंगे पार्टी वेयर के हिसाब से वेडिंग के हिसाब से और गेस्ट मेकअप के हिसाब से गेस्ट लुक के हिसाब से सॉरी तो ये है यहाँ पर जो है मैंने अच्छा पिंस का आप लोगों ने इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना है कि जितनी छोटी हो सके उतनी छोटी पिन लेनी अगर बड़ी पिन लेंगे तो आपका हिजाब जो है बाद में लूज़ हो सकता है तो इसलिए हम लोग छोटी पिन लेंगे और नॉर्मल साइज़ की भी तो ले चलती है वो ठीक है ना लेकिन सबसे बड़ी पिन मत ले लेना यहाँ पर जो है मैंने पिन से बिल्कुल इसको अच्छे से फिक्स कर लिया अपने फेस पर अब जो है मेरा टीका भी बिल्कुल फिक्स हो गया है ये बिल्कुल भी हिले डलेगा नहीं दूसरा ये यहाँ पर जो है मैंने जो एक शॉर्ट साइड था और एक लॉन्ग साइड है जो शॉर्ट साइड है उसको मैंने इस तरह से लेना है ये ज़रा ग़ौर करिए यहाँ पर कि ये इस तरह से होना चाहिए ठीक है इसका जो है मैंने बिल्कुल कोना पकड़ के इसको अपने हेड पे रख लिया है और यहाँ पर मैंने लगा देनी है पिन और ये बहुत ही अच्छा लगेगा इसको थोड़ा सा जो है आगे की साइड पे हम लोग करके कर लेंगे इतना आगे भी नहीं करना कि हमारा मुँह ही छुप जाए तो जो है इसको अब लोग हम लोग जो है सबसे पहले इसके अंदर एक पिन लगाएंगे पिन अगर आप लोग हो सके तो अपने हिजाब की मैचिंग की देख लें अगर नहीं मिलती है तो इसको पिन को हम लोग इस तरह से लगाएंगे कि पिन नज़र भी ना आए और हमारा काम भी हो जाए देखने वाला सोचे कि हिजाब टिका हुआ कैसे इसको पहना हुआ कैसे तो हम लोगों ने सबसे पहले अब इसको मैंने यहाँ से फ़ोल्ड कर लिया है और ये आपकी जो है ना ख़ुद ब खुद ना लेयर बन जाएगी अच्छा यहाँ पर जो है ना मैंने कान के साइड पर मैं पिन लगा रही हूँ ताकि जो है पिन नज़र ना आए और पिन गुम हो जाए क्योंकि अच्छे से जो मतलब प्रोफेशनल होते हैं ना बांधने में जो मेरी तरह होते हैं हिजाब बांधने में तो उनकी पिंस इस तरह से ही लगी हुई होती हैं कि वो नजर भी नहीं आती और जो थोड़े से अनाड़ी होते हैं जिनको बाकी में पिंस लगाने नहीं आती ना हिजाब पहनना आता है तो वो थोड़ी सी इस तरह की मिस्टेक्स कर जाते हैं कि बड़ी बड़ी पिंस जो हैं सर के ऊपर ही इस तरह से लगा देते हैं कि पूरे हिजाब के अंदर पिंस ही पिंस नज़र आ रही होती हैं लॉन्ग साइड जो था हम लोग पूरा फोल्ड करके मतलब पूरा घुमा के अपने हेड साइड से और इस तरह से हम लोग लेकर आ गए हैं और यहाँ पर मैंने एक पिन लगा लेनी है बिल्कुल छोटी सी पिन लेनी है ज़्यादा बड़ी और फैंसी पिन मैंने नहीं ली है यहाँ पर आप लोग इस चीज़ पर भी ज़रा गौर करिए कि मैंने ज़्यादा बड़ी और फैंसी पिन नहीं ली है जो हिजाब पिन साथ नहीं बस वही ली है यहाँ पर जो है मैं पीछे से बस थोड़ी थोड़ी सी लेयर उठाऊंगी ज़्यादा लेयर भी नहीं उठाने की कि आपका जो है नेक मतलब गुद्दी जिसे कहते हैं मतलब बैक नेक जिसको कहते हैं वो नज़र आना शुरू हो जा रहा है वो बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड और बहुत ज़्यादा अजीब और गरीब लगता है तो यहाँ पर जो है हम लोगों ने अपना बैक नेक भी हम लोगों ने इसको छुपाना है और फ्रंट से भी फ्रंट साइड से भी तो ज़्यादा भी जो है ना हम लोग इसको वो नहीं करेंगे लेयर्स इतनी ज़्यादा दें कि आपका जो है ना कवर भी हो और आपकी ना चीज़ जो है ना अच्छी भी लगे आप लोग मेरा हिजाब देख सकते हो कि कितना परफेक्टली बनता है तो यहाँ पर जो है ना मैं इसको और परफेक्ट करने के लिए फोर मतलब अपने हेड के ऊपर बिल्कुल सेंटर में पिन्स लगा लूँगी और पीछे करके लगाऊंगी कि वो नजर भी ना आए बिल्कुल भी और अभी आप लोग मेरे हिजाब को देख सकते हो कहीं भी आप लोगों को पिन नजर आ रही है नहीं आ ही नहीं सकती जी हाँ तो अच्छा यहाँ पर जो है मैंने अपनी एक जो लड़ी ली थी आप लोग जो है नेकलेस था ये वैसे मेरा लेकिन इसकी मैंने डोरी हटा दी तो ये एक लड़ी बन गई जिस तरह से और इसको मैं अब अपना हिजाब पे करके और इसको अपने हिजाब को और ज़्यादा फैंसी करूँगी और ज़्यादा ताकि अच्छा भी लगे तो यहाँ पर जो है ना ये पर्ल वाला मेरा नेकलेस था मतलब ये पूरा सेट है मेरा इसके साथ जो है ना झूमर टीका सब कुछ है और यहाँ पर जो है ना बस मैंने इसकी डोरी हटा दी इसके अंदर मैंने पिंस लगा दी हिजाब पिन मैंने इसके अंदर लगाई थी और हिजाब पिन इसको मतलब इसका जो वो हॉल बने हुए होते हैं ना उसके अंदर मैंने हिजाब पिन इसके अंदर फ़िक्स करा और वही मैंने अपने हिजाब के अंदर फिक्स कर दिया अभी किस तरह से अभी इस तरह से कि आप लोग अभी देखो और थोड़ा सा गौर करिए आप लोग भी ना इस तरह से लुक क्रिएट कर सकते हो बहुत ज़्यादा इजीली मतलब आपके पास घर में जितनी भी ज्वेलरी है आप कुछ ना कुछ अपना क्रिएटिव माइंड बनाकर और अपने आप को ना जो है ना आप ज़्यादा भी नहीं कि आप पूरा जो है ना वो एक जो है ईद की गायें लगो तो ये है और यहाँ पर जो है ना मैंने इस तरह से अपने हेड पे लगा लिया कि देखिए कितना कोई खूबसूरत लग रहा है कि मेरा टीका भी लग गया और हिजाब भी मेरा फैंसी हो गया है बहुत ज़्यादा थोड़ा सा यहाँ से, से टेढ़ा हो रहा था तो चलो इसको कोई मसला नहीं है हम दोबारा से इसको पिन हटा के और अच्छे से फिक्स कर लेंगे और पिन इस तरह से लगाएंगे कि पिन नजर भी ना आए और लग भी जाए तो यहाँ पर जो है तकरीबन मेरा हिजाब बन चुका है हो चुका है कंप्लीट और बस यहाँ पर जो है ना मुझे अपना सेट पहनना है मतलब वो जो है ना नेक पर वो पहनना है उसके बाद हमारा कंप्लीट हो जाएगा अच्छा लड़कियों मैं आप लोगों को एक और बात बताती चलूँ कि आप लोग जो हेयर स्टाइलिंग करवाते हो सलोन वालियों से वो बहुत ज़्यादा आप मतलब ना मतलब सलोन वाले को ये होता है कि बस हमारा हेयर स्टाइल बनना चाहिए अब लड़की के बाल कितने भी टूटें कितने भी डैमेज हो कितने भी ख़राब हो उनसे उनको कोई मतलब नहीं होता और आपने जिस चीज़ का मतलब उनको पैसे दिए होते हैं उनको बस अपना काम दिखाना होता है अब वो इतना भर भर के हेयर स्प्रे भी करती हैं पिनस भी भर भर के लगा दी कि आप जो है ना तकरीबन आप इवेंट के बाद तो ना तकरीबन तीन चार घंटे आप लोग पिनस ही निकालते रहो फिर उसके बाद बैक कॉमिंग वगैरह तो बेहतर है कि आप लोग हिजाब करो अपना बहुत ज़्यादा ईज़ी रहता है और उसके अंदर बाल भी ख़राब नहीं होता है आपके बाल ठीक रहते हैं और अच्छा भी लगता है खूबसूरत भी लगता है आप बहुत ज़्यादा कंफर्ट भी फील करोगे अपने आप को तो।, तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगी कि आप लोग हिजाब वेयर करो जो लड़कियाँ हेयर है, स्टाइलिंग पे जो है ना बहुत ज्यादा अपना दिमाग लड़ाती हैं तो खैर यहाँ पर जो है मेरा हिजाब बन चुका है कैसा लग रहा है मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएगा और मजदीद पिक्चर्स देखने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा और मुझे कॉमेंट्स करके जरूर बताएगा चैनल को सब्सक्राइब लेना वीडियो को लाइक करना फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जब तक के लिए तब तक लिए अल्लाह हाफि और मजदूद पिक्चर्स जो है मैं यहाँ पर अपलोड कर देती हूँ ओके बाय टेक केयर अल्लाह हाफिज़